हेलो दोस्तों, फिर से मैं लेकर आया हूँ लियोगोंग की लोडर। इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर सेंसर ख़राब हो जाता है तो उसको बाईपास कैसे करना है। चलिए सबसे पहले इग्निशन ऑन करके चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले में क्या शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये रेड कलर का चेक इंजन लाइट आ रहा है, जो इग्निशन ऑन करते ही इस लाइट को चले जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करके चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों इसका प्रॉब्लम ये है कि एक्सेलेटर अगर फुल भी दबा रहे हैं तो गाड़ी रेस नहीं हो रही है जैसी रेस होनी चाहिए। इस इंजन का आरपीएम 1100-1200 जा रहा है, जो कि 1800-1700-1900 जाना चाहिए, लेकिन रेस नहीं होने के कारण आरपीएम डाउन हो गया है। तो चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। इंजन में जितने भी सेंसर लगे हैं सबका वायरिंग हमने चेक कर लिया, सब सॉकेट सही जगह पर सही से लगा हुआ है, कहीं से भी कोई लूज कनेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम है ऑयल प्रेशर सेंसर से, तो उसको हम करने वाले हैं आज बाईपास, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल अभी है नहीं ऑयल प्रेशर सेंसर, इसलिए करेंगे उसको डायरेक्ट बाईपास। दोस्तों यही ऑयल प्रेशर सेंसर है जो ख़राब हो चुका है, और ये सेंसर का सॉकेट है जिसको हमने बाईपास किया है, और किस चीज़ से बाईपास किया है वीडियो में पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये 24 वोल्ट एलईडी लाइट है जो इसको हमने यूज़ किया है इसमें, ये टेल लाइट है, जो एलईडी टेल लाइट आता है उसका ही कार्ड हमने निकाल करके यूज़ किया है इसमें। तो चलिए सबसे पहले आपको वायरिंग समझिए किस तरह से वायरिंग हमने कनेक्शन किया है इसको। एलईडी लाइट से हमने दो वायर लिए, जो एक वायर अर्थिंग को लगा दिया और दूसरा वायर सॉकेट को लगा दिया। आप देख सकते हैं ये ऑयल फिल्टर है, और ऑयल फिल्टर के बॉडी के ऊपर आप देख सकते हैं ऑयल प्रेशर सेंसर है, और उसी सेंसर का सॉकेट में हमने एक वायर लगाया है। ये सॉकेट में तीन वायर है लेकिन अटैच सिर्फ एक वायर में करना है आपको, और इसको चेक करने के लिए आपको गाड़ी स्टार्ट कर लेना है, और तीनों में भी ये वायर जो मैंने लगाया है एक एक वायर आपको टच करके चेक कर लेना है कि किस में हमारा गाड़ी रेस सही से हो रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि ये काम कैसे कर रहा है, अगर सेंसर नहीं है तो फिर काम कैसे कर रहा है ये। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये बहुत कम मात्रा की वोल्टेज में चलने वाला एलईडी लाइट है, तो इस लाइट से हमने सिर्फ इसको सीरीज किया है, अर्थिंग लेकर के अर्थिंग दिया है सीरीज करके, ताकि कम से कम अर्थिंग मिल सके और ईसीयू को सेंस कर सके, ताकि हमारी गाड़ी रेस सही से हो। और जैसा कि मैंने बताया, ऐसा परमानेंट नहीं करना है कुछ, ये बस इमरजेंसी में ऑयल प्रेशर सेंसर आपको नहीं मिल रहा है तो इमरजेंसी में ऐसा करके आप चला सकते हैं, और सेंसर ख़राब है या नहीं इसी तरह आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब रेस हमारा सही से हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों आपने देखा इग्निशन हमने ऑन करके चेक कर लिया, तो चेक इंजन लाइट भी अब नहीं है, जो चेक इंजन लाइट रेड कलर का आ रहा था अब वो भी चला गया। तो दोस्तों गाड़ी अभी स्टार्ट है हमारा, और चेक इंजन लाइट भी अब नहीं आ रहा है, और आरपीएम का रेटिंग भी अब सही दे रहा है, 2200-2300 तक जा रहा है, यानी इसका प्रॉब्लम बस इतना ही था कि ऑयल प्रेशर सेंसर ख़राब था जिसको हमने बाईपास किया। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस व्हीकल से जुड़ी देखने के लिए हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन ऑन कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। ओके बाय।